13 अक्टूबर 1972 को यूरुग्वायन एयरफोर्स की फ्लाइट नंबर 571, जो कि एक चार्टर्ड प्लेन है, मोंटेविडियो यूरुग्वाय से उड़ान भरती है। इस प्लेन में ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन के मेंबर्स, उनके परिवार, दोस्तों और 5 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल 45 लोग बैठे हैं। इस प्लेन को जाना है चिले देश के सांतियागो शहर में, लेकिन कैप्टन की कुछ गलतियों के कारण यह प्लेन एंडीज के पर्वतों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत तुरंत हो जाती है और कुछ घंटों बाद 12 और घायल लोगों की मौत हो जाती है। प्लेन के डेस्टिनेशन पर न पहुंचने से इस प्लेन को मिसिंग मानकर एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन एंडीज, जो कि बर्फ से ढका पहाड़ और प्लेन का रंग भी सफेद होने के कारण, कोई कामयाबी नहीं मिलती है। 8 दिनों के बाद इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। प्लेन क्रैश में जिंदा बचे लोग कई दिनों तक भूखे रहने के बाद वो अपने रिलेटिव्स और दोस्तों के मृतक शरीर को खाने पर मजबूर हो जाते हैं। इस दौरान कई और मौतें होती है। कई हफ्तों तक यही सिलसिला चलने के बाद जिंदा बचे हुए लोगों में से 2 लोग, जिनका नाम नंदो और रॉबर्टो था, फैसला करते हैं कि वह पहाड़ को पार करके किसी इंसानी आबादी वाले जगह पर पहुंचेंगे। 23 दिसंबर 1972 को 10 दिनों तक लगातार 61 किलोमीटर चलकर 4650 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ की चोटी को पार करके आखिरकार ये चिले के एक इंसानी आबादी वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। इनके द्वारा बताए गए प्लेन क्रैश के जगह से 72 दिनों के बाद 14 और जिंदा बचे लोगों को रेस्क्यू किया जाता है।